13 दिसंबर 2021 की दोपहर को बाड़मेर जिले के बिजराड़ गांव में दर्जनों गांवों से आए हजारों लोग एक खुले मैदान में जमा थे। मीडिया के ड्रोन भी इधर उधर चक्कर काट रहे थे। तभी वहां एक स्मार्ट ग्रे R-66 ट्रबाइन हेलीकॉप्टर नजर आया और सबकी निगाहें आसमान की ओर उठ गईं। इसमें कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या अरबपति नहीं, बल्कि दो दलित स्कूल टीचर्स के बेटे 23 वर्षीय डॉक्टर तरुण मेघवाल थे, जो अपनी दुल्हन को लेने आए थे। हेलीकॉप्टर एक सपने को हकीकत में बदलने जैसा था, जिसका दलित परिवार लंबे समय से इंतजार कर रहा था। लेकिन इस हेलीकॉप्टर वेडिंग से ठीक 15 दिन पहले उदयपुर जिले के सलेरा खुर्द गांव में एक और दलित शादी थी। 28 वर्षीय दूल्हे नरेंद्र मेघवाल की बारात को घर से महज 400 मीटर की दूरी तय करके नजदीक वाले मंदिर चारभुजा तक जाना था। एस्कॉर्ट करने के लिए 40 हथियारबंद पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। लेकिन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद जाट समुदाय के 15 लठैतों ने घोड़े पर सवार दूल्हे और बारात में शामिल उसके रिश्तेदारों पर बेरहमी से हमला बोला। आज भी नरेंद्र उस दिन को याद करते हुए कहते हैं कि भीड़ में से एक ने चिल्लाकर कहा, उतारो साले को घोड़े से। राजस्थान के बाड़मेर की एक शादी टॉक ऑफ द टाउन बन गई। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि पूरे राज्य में चर्चा का केंद्र बन गई, क्योंकि दलित समुदाय से आने वाले एक दंपति को 7 लाख रुपए खर्च करके हेलीकॉप्टर से गांव से अपनी ब्राइड को बुलाना पड़ा। और ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि राजस्थान के मुख्य अखबारों में हर रोज, हर दूसरे दिन इस तरह की घटनाओं का जिक्र होता है, जहां दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जाता है। एक तरफ दलित समुदाय को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, तो दूसरी तरफ एक दलित समुदाय के ही आदमी को 7 लाख रुपए खर्च करके हेलीकॉप्टर से शादी करनी पड़ी। द प्रिंट की रिपोर्ट इसी तरह की घटनाओं की पड़ताल करती है। हम इस वक्त जैसलमेर में हैं, हमने जोधपुर और हमने बाड़मेर जैसे जिलों में इस तरह की शादियों और इससे प्रभावित वर्ग को और इससे पैदा हुए कॉन्फ्लिक्ट को कवर करने की कोशिश की है। दलितों की शादियों में बढ़ते हुए हमलों के चलते राजस्थान सरकार ने पुलिस थानों को एक सर्कुलर जारी कर हिदायत दी है कि इस तरह के आयोजनों से पहले उचित सुरक्षा का इंतजाम करें। ADG लॉ एंड ऑर्डर रवि प्रकाश ने द प्रिंट को बताया कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 सालों में ऐसे 76 मामले सामने आए हैं और हाल ही में मेवाड़ क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी भी देखी गई है। बहरहाल, हिंसा के डर के बावजूद दलित जातिवादी वर्जनाओं को तोड़ते हुए अपने गौरव को बरकरार रखने के लिए धूमधाम से शादियां कर रहे हैं। ये 2-3 महीने पहले ये शुरू कर दिया था कि अपने मतलब ये शादी थोड़ी ये अलग टाइप से करनी है। हाँ। तो उसके लिए मतलब कि हेलीकॉप्टर लाते एक बार, ये समाज में ये चलता ही रहता है वैसे कि ये घोड़ी वाला ये सिस्टम चलता रहता, चलो वो ये जैसी जो सोच होती है वैसी बात है। हेलीकॉप्टर के लिए सर्वप्रथम तो ऑनलाइन सर्च किया हमने, ये मतलब आता कहाँ से, ये कैसी कंपनी है, ये कहाँ से बुक होता है। आपने खुद से सारा सर्च करा? जी। कितना था उनका बजट? उन्होंने ये 6.5 लाख रुपए बोला था पहले। मतलब उसमें ये परमिशन लेनी पड़ती पहले सारी हर डिपार्टमेंट से, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट में हर डिपार्टमेंट से, इन फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल, ये नगर निगम से, ये रक्षा मंत्रालय दिल्ली से लेनी पड़ती परमिशन। उसमें मतलब अलग अलग परमिशन थी सारी पूरी। और हेलीकॉप्टर जब गाँव के लोगों ने पहली बार देखा तो क्या मतलब कहा गया? बहुत खुशी थी। मेरे दिमाग में तो एक ही आइडिया आया कि मैंने कहा ये मतलब लोग इतना करते हैं तो अपने एक अलग पहचान बनाते हैं। घर में सलाह की, तरुण से भी पूछा वगैरह, तो अच्छा है, अच्छा आइडिया आपका। तो मैंने कहा मेरी इच्छा है भाई अपन बहू को हेलीकॉप्टर लेके आए, क्योंकि पहले चर्चाएँ चलती रहती है घोड़ी की वगैरह। ये दिमाग में मैंने ये सोचा, मैंने कहा अपन एक मतलब इतिहास करते, ऐतिहासिक काम करते मैडम जी, वो इससे मतलब अपने समाज में भी अच्छा मैसेज जाए। अब तो उनके दिमाग में ये है कि अब घोड़ी वाला तो कोई सिस्टम नहीं है, हेलीकॉप्टर आ गया तो घोड़ी क्या है। लेकिन आप ये भी तो जानते हैं ना कि हर कोई हेलीकॉप्टर अफोर्ड भी नहीं कर सकता। हाँ, तो क्या तो मतलब उनके लिए घोड़ी आसान हो जाएगी? इससे कम से कम घोड़ी आसान हो जाएगी आपको लगता है? मतलब वो नहीं रहेगा कास्ट वाला, मेरे हिसाब से सिस्टम नहीं रहेगा। दलित स्कॉलर चंद्रभान प्रसाद टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि मेघवाल परिवार ने हेलीकॉप्टर हायर नहीं किया, बल्कि अपने लिए डिग्निटी हायर की। चंद्रभान की किताब दलित कैपिटलिज्म अ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट अगले साल पब्लिश होने वाली है। वैसे तो शादियों में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल राजस्थान में एक फैशन सा बनता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर अलवर जिले में एक OBC परिवार में ऐसी ही शादी हुई थी, और उसके बाद दौसा जिले में भी एक शादी में OBC दूल्हा हेलीकॉप्टर से आया। लेकिन मेघवाल परिवार के लिए हेलीकॉप्टर से बारात ले जाना
एक अलग तरह का मायना रखता है क्योंकि ये उनकी जातिगत पहचान से जुड़ा मसला था। चंद्रभान के मुताबिक दलितों की शादियों में घोड़े या हेलीकॉप्टर का आना या उनके हाथों में स्मार्ट गैजेट या मूछे रखना या फिर ब्रांडेड कपड़े और जूते पहनना दलित असर्शन का संकेत है क्योंकि सामंती सिस्टम में दलितों को ये सब करने से प्रतिबंधित किया गया है। 18 वर्षीय सोनाराम मेघवाल जब जैसलमेर की सड़कों पर निकलते हैं तो किसी कार या बाइक में नहीं बल्कि अपने काले घोड़े बादल पर सवार होकर गुजरते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए साधन चुनना सीधे तौर पर उनके विद्रोही रुख को दर्शाता है। मेरे पास घोड़ा है, मैं कभी भी घोड़े को लेके कहीं भी घूमना वूमना का जाता हूँ तो मेरे को ऊंची जाति वाले लोग वगैरह ताने देते हैं, ऊंची आवाज में बोलते वगैरह कहते हैं कि तुम ऐसी जात के हो, ऐसे हो, तुम घोड़े लेके कैसे घूमते हो वगैरह बोलते हैं मेरे को। ओछे शब्द जाति के लिए, जाति के शब्द बोलते हैं जैसे मेघवाल है, हम तो हमको अच्छी शब्द बोलते हैं, रेट वगैरह कहते हैं कि तुम ऐसे हो कैसे हो, तुम घोड़े लेके घूमते हो, तुम्हारी खानदानी पीढ़ी में नहीं है, तुम ऐसे बचपन से वो करते आए ऐसे करते आए, तुम नहीं बैठो घोड़ों पर, मत करो। आपके घरों में घोड़े पे शादियाँ होती हैं, घोड़े ले जाने देते हैं आपके घर में? जैसलमेर में तो ले जाने देते हैं लेकिन बाहर गाँव वगैरह में अभी तक वही है रीति रिवाज, लेकिन घोड़े पे नहीं बैठने देते। बोला भी है मेरे को कैसे ऐसे तुम घोड़ा लेके मत घुमा करो ऐसे है, एक दो बार धमकियाँ भी दी थी। मम्मी पापा ने मना किया था पहले से, तो मैं मत रखना ऐसे ऐसे, वो बड़ी जाति वाले ऐसे बोलेंगे ऐसे बोलेंगे, तो भी मैंने कहा नहीं मैं तो रखूंगा, मेरी जिद थी एक तरीके से और मेरे को बचपन से शौक ही था उसका, तो मैंने ले लिया। अभी मेरे को 3-4 साल हो मैं रख रहा हूँ, घर वाले तो भी मना कर रहे हैं। कुछ काम भी करते हो इधर लाके या फिर वो सिर्फ? नहीं नहीं, ओनली फॉर मेरे खुद के लिए पर्सनल, कोई काम वाम कुछ नहीं करते। कहाँ ले जाते हो उसको? घुमाने के लिए मैम, कहीं भी खुद के बैठ के जाते हैं मार्केट में वगैरह कहीं भी घूमने के लिए। सोनाराम के घर से करीब 200 किलोमीटर दूर बाड़मेर के सीमावर्ती गाँव अद्रिम में रहने वाले 29 वर्षीय अशोक जोगल भी इस तरह के रिबेलियस एक्ट करने के लिए प्रेरित हैं। वह बुलेट पर चलते हैं, मूछे रखते हैं और अपने नए आईफोन से सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, ये जानते हुए भी कि उनकी इस तरह की गतिविधियां आसपास की डोमिनेंट कास्ट को कतई नहीं सुहाती हैं। कब से मतलब मूछे रखे हुए? 2012 से। और आपकी फैमिली में कभी पिताजी दादाजी पूर्वजों ने रखी थी? बिल्कुल, वो भी रखते थे। उनको जलन महसूस होती है कि मतलब छोटे जाति के लोग हैं, इनके पास बुलेट है, आईफोन है, मूछे रखते हैं, दबंग दबंग टाइप के रहते हैं, तो खुद ही अंदर जलन महसूस करते हैं। फिर पूछते हैं कि आपकी कास्ट क्या है, तो हम बताते हैं जैसे मेरी कास्ट मेघवाल है। तो आप धड़ल्ले से बताते हैं? धड़ल्ले से बताते हैं, बिल्कुल कोई शर्म के साथ? कोई शर्म नहीं, बहुत सारे और भी गांव में लड़के हैं वो भी मूछे रखते हैं। आप गांव में रह के मूछे रखते हो या फिर शहर में? गांव में, अभी सिटी में पहले जयपुर रहता था, तैयारी करता था, अभी तो फिलहाल गांव में। लाइफस्टाइल, एजुकेशन और इंटरनेट जैसी सुविधाओं ने युवा दलितों को पुराने नियम कायदों की बाध्यताएं तोड़ने के लिए कई सारे अवसर प्रदान किए हैं। जैसे नए सिरे से शुरू हुई कई सामाजिक पहलों में से एक है नीले रंग से रंगा मेघवाल समाज समिति पुस्तकालय, जो बाड़मेर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर चौहटन ब्लॉक के निचले इलाके में स्थित है। हालांकि NCERB के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में जातीय विभाजन की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ अपराध भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में न केवल सबसे ज्यादा होते हैं बल्कि 2018 के बाद से इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी भी देखी गई है। एक ऐसे राज्य जहाँ अक्सर ही दलित दूल्हों को घोड़ी की सवारी करने का मौका नहीं मिल पाता, मेघवाल परिवार का बारात हेलीकॉप्टर से लेकर आना निश्चित तौर पर एक बेहद शानदार पल था। इसने परिवार को ये दर्शाने का मौका भी दिया कि उन्होंने उस जाति व्यवस्था की बेड़ियां तोड़ने का काम किया है जिसमें उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। मेरे जो ये है ना स्कूल, हाँ, तरुण नाम से स्कूल है, तरुण उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये खोलने का कारण यही है। मतलब हम दोनों सरकारी टीचर थे, गाँव में रहते थे, यहाँ बाड़मेर में हमारा कोई लंदन नहीं था, ना कोई मकान था ना कोई प्लॉट था। गांव से मतलब ये तरुण को प्राइवेट स्कूल में वहाँ भेजा, गांव में कोई प्राइवेट स्कूल थी तो वहाँ ये पढ़ता नहीं था, तो मैंने देखा एक ही बच्चा है नहीं बच्ची है, तो इसको बाड़मेर कोई हॉस्टल में भेज देते हैं। तो मैं बाड़मेर आया हॉस्टल में भर्ती करने के लिए, तो वहाँ पर मेरे इंट्रोडक्शन हुआ, कोई हॉस्टल थी, एक ही हॉस्टल थी उस समय, ठीक है ना। तो वो उससे डायरेक्टर से बात हुई मेरी, उन्होंने फीस वगैरह पूछी, तो मैंने कहा बड़ा जरा मैं दे दूँगा कोई दिक्कत। तो उसमें जैसे मैं वहाँ से डायरेक्टर से बात करके उठा तो उन्होंने कहा कि आप बाई कास्ट क्या हो, चौधरी हो? मैं नहीं, चौधरी नहीं, मैं मेघवाल हूँ। तो सॉरी आपके बच्चों को हम यहाँ नहीं रख सकते, यही तो बात हुई। तो मेरे तो पसीना हो गया, मैं बाहर आया तो मेरे तो हालत ख़राब हो गई। गेट के बाहर आने के बाद मैंने वो देखा तो मैंने कहा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, जब हम दोनों सरकारी एम्प्लॉयर है, पढ़े लिखी फैमिली है, टीचर है, और हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो फिर हमारे भाइयों के साथ क्या होगा? मैं ये तो बड़ी सोचने वाली बात है।
फिर मैंने ये मतलब इस वजह से उसका नाम भी तरुण रखा, और क्योंकि इसको एडमिशन नहीं दिया इसलिए यहाँ स्कूल खोल दी। अभी आपके यहाँ सारी जातियों के बच्चे पढ़ते हैं? अब सारी जाति हमारे को कष्ट नहीं। समाज में फैले जातिवाद की वजह से ही तरुण के परिवार के अपने डर थे कि कहीं हेलीकॉप्टर को शादी से पहले कैंसिल ना करा दिया जाए। स्टार्टिंग में उन्होंने बोला बाकी हम कोई कमी नहीं रखेंगे, आप बस ये डिस्ट्रिक्ट में जो भी परमिशन होती है जिनको लेनी है। ये परमिशन मिल गई थी, लगभग सब हो गया था, ये शादी से 2-3 दिन पहले मिली थी परमिशन। जिन कलेक्टर साहब ने लास्ट में दी परमिशन, उसके बाद में जिन बारात जैसे रवाना होती है उसी टाइम ये कंपनी वालों ने फोन करके मना कर दिया गया, हेलीकॉप्टर में कोई मिस्टेक आ गई है इसलिए नहीं आ सकते। राजनीतिक प्रेशर वगैरह कोई रह सकता है इस वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया में इतना अवेयर हो गया था कि जिन बैकवर्ड थोड़ा मतलब जिन पहले के हिसाब से लोगों ने पोस्ट करनी शुरू कर दी थी, फिर वो जिन परमिशन पहले ली हुई थी सारी उसको मतलब जिन लेटर कलेक्टर से ये चेंज करवाना था एक बस, वो चेंज हो गया था हथवार। बाद में जिन उदयपुर में एक जिन कंपनी है नई और वहाँ से संपर्क किया, उन्होंने हथवार भेज दिया हेलीकॉप्टर। हालांकि जमीनी स्तर पर पुलिस के लिए दलित दूल्हों को सुरक्षा प्रदान करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी भी डोमिनेंट कास्ट के लोगों को लगता है कि दलित अपनी बारात में घोड़े की सवारी करके अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 में भिलवाड़ा के समोडी गांव में उस वक्त तनाव कायम हो गया था जब 22 वर्षीय दलित दूल्हे अर्जुन रैगर ने अपनी शादी में घुड़चढ़ी की तैयारी की। क्षेत्र में दबदबा रखने वाले अहीरों ने दलित परिवार को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी, लेकिन 4 थानों की तरफ से मुहैया कराई गई पुलिस सुरक्षा के कारण शादी तो आखिरकार बिना बवाल के हो गई, लेकिन बारात निकलने के बाद गांव के अहीरों ने पानी और गौमूत्र से सड़कों की सफाई की। वहीं दलित परिवार ने अगला 1 महीना पुलिस सुरक्षा में बिताया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रवि प्रकाश इस पर कहते हैं कि अगर आज़ादी के 70 से भी अधिक सालों के बाद ऐसा एक भी मामला सामने आता है तो वास्तव में कानून बनाने वालों और उन कानूनों को एनफोर्स कराने वाली एजेंसियों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। दलित परिवारों की गरिमा भंग करने वाले 76 मामले सामने आना चिंताजनक विषय है और ये संख्या भी अपने आप में बहुत बड़ी है। राज्य पुलिस को दलित दूल्हों को गरिमा प्रदान करनी ही होगी। दीप्रिंट के लिए ज्योति यादव।